नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 30 लाइव। इस वक्त हम पौड़ी के शासकीय प्राथमिक शाला केंद्र के प्रांगण में हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कि बोरवेल से आग निकल रहा था, तो इसी की पूरी बात की जो सच्चाई है इस प्रांगण में, क्यों बोरवेल से आग निकल रहा है, क्या बोरवेल से पानी निकल रहा है कि बोरवेल से गैस का रिसाव हो रहा है, इसी बात को जानने के लिए न्यूज़ 30 लाइव की टीम पौड़ी शासकीय प्राथमिक शाला के प्रांगण में हाल ही में जो बोर की खुदाई की गई है उसकी जांच के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। तो आइए जानते हैं, प्राथमिक शाला में जो शिक्षक यहां के हैं उनसे जानते हैं कि इस बोरवेल से पानी निकल रहा है कि गैस का रिसाव हो रहा है। सर, कब से निकल रहा है इसमें से आग? मेरे को जानकारी नहीं भाई, हमारे रहते तक नहीं निकला था। अच्छा, कब पता चला आप लोगों को? मोबाइल में आया तो भी हम लोग को भी जानकारी हुई और कुछ लोग गांव के लोग भी बताए तो फिर हम लोग को पता चला। हमारे विभाग से आए थे, जो मैडम आई थी, प्रिंसिपल भी आई थी, संकुल प्रभारी। बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा यहाँ पर आया, यहाँ पर जो इसकी सावधानी के लिए यहाँ पर इसको बंद करने के लिए पीएचई विभाग द्वारा आया गया था। और अभी भी आप देख सकते हैं कि बोरवेल का जो स्विच वगैरह होता है वो सारी चीज़ बंद कर दी गई है और बोरवेल आप देख सकते हैं, यही वो बोरवेल है। हाल ही में जो रात का वीडियो वायरल हुआ था कि इसमें से जो आग निकल रही थी, तो यही थी। ग्राम पौड़ी में थे और पौड़ी के प्राथमिक शाला के प्रांगण में ही है बोरवेल और इसमें से जो आग का रिसाव हो रहा है, विभाग द्वारा पूरी जानकारी आपको हम बताते रहेंगे। आइए जानते हैं बोरवेल से जो आग निकलने का जो वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है इसकी पूरी सच्चाई क्या है, बताइए पूरा मामला के बारे में। कब से इसमें से आग निकल रहा है? इसमें 3-4 रोज हो गए भैया, और रिसाव आ रहा है और गैस टाइप का निकल रहा है उसमें से, और जैसे मान लो माचिस का तीली मार रहा है ना तो आग भी पकड़ ले रहा है। अच्छा, कैसे पता चला आप लोग? वो गैस लावा टाइप का निकल रहा था ऊपर, हाँ लावा निकल रहा था, तो बच्चे लोग बताए कि इसमें कुछ लावा निकल रहा है करके, तो अपने सरपंच महोदय जी को बताए हैं। सरपंच महोदय जी आकर चेक किए, इसको चेक किए तो वाकई में लावा निकल रहा था, माचिस की तिल्ली मारने से आग पकड़ रहा था। उसके बाद पीएचई विभाग को फ़ोन किए और थाना सिरगिट्टी में फ़ोन किए, टीआई साहब आकर चेक किए उन लोग भी और पीएचई विभाग भी चेक किए। तो गैस है कि पेट्रोल है, क्या बताया पीएचई विभाग? नहीं बता पाए हम लोग भी। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप लोगों को पता चला कि यहाँ से आग निकल रहा है, यहाँ पहले कोई यहाँ पर गैस का टंकी या कोई भी पाइपलाइन? जी नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है कुछ नहीं। आप बताइए, आपको कब पता चला? मेरे को तो 3 दिन पहले पता चला, 3-4 दिन पहले। अच्छा, तो ये बताइएगा, यहाँ पर जो प्रांगण में इसकी खुदाई हुई है, क्या यहाँ पर कोई गैस पाइपलाइन या कोई भी टंकी? टंकी में था, घुरवा था पहले पुराने, और सामने में और कुआं था। अच्छा, मतलब स्कूल नहीं था उससे पहले? ना, स्कूल था और बगल में कुआं है दुकान के पीछे। अच्छा। इस तरफ भी घुरवा था पहले पुराने। चला भैया, आपको किस में से आग निकल रहा है? ये परसों से पता चला भैया। अच्छा, हाँ, दो गांव के हो आप? हाँ जी, गांव के हूँ। और इसमें मतलब आस पास में इसमें कांजी हाउस था, अगल बगल घुरवा था इसमें। अच्छा, स्कूल से पहले था कि स्कूल के बाद? स्कूल के पहले था, बीच में कांजी हाउस था, बीच में। एक बात है, ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि पीछे विभाग द्वारा इसको बंद कर दिया गया सावधानी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये शासकीय प्राथमिक शाला पौड़ी का ये प्राथमिक शाला का ये प्रांगण है, प्रांगण में ही बोरवेल की खुदाई की गई है। कब पता चला आपको? मेरे को परसों पता चला है। अच्छा, हाँ, तो इसमें गैस निकल रही है और माचिस मारने से आग जल रही है। अच्छा, और ये बोरवेल कब, कितने दिन हो गया खुदा हुआ? करीब ये 10 दिन हो गया। 10 दिन हो, हाँ, शीतकालीन छुट्टी में ये हुआ है। ये शिक्षकों से चर्चा करते हैं कि प्रांगण में कब से बोरवेल से आग निकल रही है, कैसे इन्हें पता चला, क्या ये विभाग को, किसी भी विभाग को सूचना इनके द्वारा दिया गया है, तो बताइएगा सर कब से आग लग रहा है इसमें? परसों शाम से हम लोग को पता चला है, यहाँ के गांव के ही बच्चे लोग जो है। अच्छा। खेल रहे थे, खेलते खेलते उनको कुछ आवाज़ सुनाई दिया। अच्छा। आवाज़ सुनाई देने से मतलब वो लोग शायद माचिस वाची से कुछ भी से आग लगाए तो लग गया आग। अच्छा, कैसे पता चला आप लोग की आग निकल रही है? हम लोग को व्हाट्सएप में ऐसे ग्रुप में मैसेज आया
अच्छा, तो वीडियो बनाए होंगे, वही मैसेज से हम लोग को पता चला। फिर सुबह आए तो हम लोग यहाँ देखे कि हाँ ऐसा हो रहा है, और अभी भी कुछ उसका आवाज़ आ रहा है, कुछ तो रिसाव हो रहा है उसमें। और कल से इसको बोर को फिट किए हैं, तो इसके बाद पानी में भी चलते पानी में भी आग लग रही है, ऐसा अच्छा। देखने को मिला है। अब हम लोग तो छुट्टी होने के बाद चले गए थे, शाम को यहाँ जब पानी चालू किए तो फिर वीडियो के माध्यम से भी हम लोग को देखने को मिला है। अच्छा मैम, आपको कब पता चला? बेशक ये कौतूहल का विषय है, ये परसों हमको जानकारी हुई कि यहाँ पर ऐसा कुछ घटना हुआ है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से कहीं अवकाश था, उसी अवकाश के दौरान ये बोर का खुदाई हुआ था, और हमको परसों शाम से ही पता चला कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि हाँ कुछ आवाज़ आई। उसमें गांव के ही बच्चे लोग ने पहले आग जलाया, तो वहां पर एकदम आग जल रही थी, हमने वीडियो में ही भी देखा। तो बेशक ही है कौतूहल का विषय, लेकिन पता नहीं अब किस कारण से हो रहा है, इसका जांच तो होना ही चाहिए। क्योंकि स्कूल परिसर है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, अब बच्चे ऐसे हैं कि जिस चीज़ को मना करो उसमें ही मतलब, सर भी कल भी बोले परसों भी बोले, तो थोड़ा सा इसका सुरक्षा भी होना चाहिए अगर कुछ ऐसा ये है तो, मेरे दृष्टि से। अच्छा सर, आपको कब पता चला? जैसे कि मैडम ने बताया वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली, और ये जानकारी को नकारा नहीं जा सकता है, ये सही है। और कल जैसे कि इसमें बोर फिट किया गया है, मोटर फिट किया गया है, तो मोटर को चालू करके जैसे देखा गया तो उसमें भी माचिस लगा के देखा तो उसमें आग लगी हुई थी और लग रही है अभी भी, इसको झूठलाया नहीं जा सकता है। अच्छा सर, ये आपके स्कूल प्रांगण में है तो किसी विभाग को आप लोगों ने सूचना दी? सूचना तो वैसे अपने तरफ से हम नहीं दिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च कार्यालय को, उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी हो गई है। तो कल आए थे प्रचार्य मैडम और बीओ मैडम आए थे, और वो संज्ञान लिए हैं, अब देखें कि आगे कार्रवाई क्या करती है। अच्छा जी, तो इस प्रकार से बताया जा रहा है शिक्षकों द्वारा कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से वीडियो हाल ही में बोरवेल से आग निकलने वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसी के माध्यम से यहाँ के शिक्षकों को जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसी के माध्यम से इन्हें पता चला कि बोरवेल से आग निकल रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, बिलासपुर के तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 30 लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।